तो यस, हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी. आज आई हैव विद मी टू ऑफ माय स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट गिवन देयर साइकोलॉजी पेपर ऑफ CUET. तो अभी अभी आई थिंक इन द थर्ड स्लॉट दे हैड देयर पेपर टुडे और अभी बस उनका पेपर खत्म हुआ है एंड आई हैव बोथ ऑफ देम विद मी. एंड जैसे कि 2-3 डेज बैक आई केम विद द एनालिसिस ऑफ 3 of our children and उनके analysis में हमने ये देखा था कि the paper was fairly easy and let us so today I am here and today what I want to do is I want to basically make everyone aware that yes, paper can you can expect your CUET paper to be of the moderate level also because I think मेरे बोलने से अच्छा है we can hear from these two only. So yes, I welcome both of you, Amey and Diya. Can you please introduce yourselves first? Hi everyone, myself Diya and I belong to Delhi. I am from CBSE board. Hello everyone, my name is Amey and I am from Bhopal and I also cleared my 12th from CBSE board itself. Okay, चलो तो सिंस यू कैन सी दैट हमारे पास एक भोपाल का बच्चा है, एक दिल्ली की बच्ची हमारे पास, तो हमें बेसिकली आई जस्ट वांट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ यू दैट डिड यू एक्सपेक्ट योर CUET पेपर टू बी डिफिकल्ट और इजी, या क्या एक्सपेक्ट, व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द पेपर? कैन यू टेल मी, कैन वी प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट? मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एक्सपेक्टेड इट टू बी much easier, but it was not that much easy. I would say it was a moderate level exam today, since I was not expecting like much of the questions from deleted portion, but yeah, there were 3-4 questions which were from the deleted part. Okay. Yes, Amey. Myself, it was like I also agree that paper was a bit moderate. And for people who are going to give their CUET next year or after this slot, I want to tell them that they should read specific boxes inside NCERT, because what my perception of paper was like, paper did not consisted of very static questions. It strived on the concept of each and every So I think concept should be clear, because concept based questions were very much there. ओके, सो यू हैड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे तुम्हारे पास, और yes. उसके बाद आई थिंक जैसे वन शॉट हुए या क्लासेस हुए जो भी, उसमें वन थिंग एवरी चाइल्ड व्हेन दे यूज्ड टू आस्क मी एनीबडी के मैम ये जो बॉक्सेस है आपकी एनसीईआरटी में, जैसे अब आप थर्ड चैप्टर बोल लो या कोई सा भी चैप्टर बोल लो, वो जो छोटे छोटे बॉक्सेज हैं, कभी कभी जैसे वो 7th चैप्टर में आपका जो ग्रुप प्रोसेसेस वाला जो है, उसमें एक वो शेरिफ का ऐश का एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद एक होम्स एंड राह का प्रिजम्प्टिव स्केल 5 फैक्टर थ्योरी है, राइट? एग्जैक्टली, कॉस्टा एंड मैकरेकी. तो उसमें ना ये सारे बॉक्सेस में थे एंड आई सपोज कि ना व्हाट आई थिंक इज कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इवन द ईयर लॉन्ग बैच, इवन द क्रैश बैच, या इवन यूट्यूब पे जितनी बार जैसे पढ़ाया है, मैंने हमेशा एक चीज बोली है कि यू हैव टू एक्चुअली गल्प डाउन एनसीईआरटी. लाइक आपको एक्चुअली लाइन वाइज लाइन जाना है एनसीईआरटी के. एंड देखो वन थिंग कि CBSE हैज कैंसल्ड आउट ऑन 8th and 9th चैप्टर, आई गेट इट, मगर NTA ने कभी कैंसिल नहीं किया 8th and 9th चैप्टर को, जो कि विच इज ऑल्सो विच स्टैंड्स आउट टू बी ट्रू. एंड जैसे कि ना एक और डिस्क्रिपेंसी जो मुझे देखने को मिली वो ये है कि 29th से लेके 31st के शायद पेपर में, फर्स्ट के लेट से, उनने 8th और 9th चैप्टर के क्वेश्चन ही नहीं दिए थे, पता है आपको? लाइक 8th चैप्टर का एक क्वेश्चन था, 9th वॉज नॉट देयर. एंड टुडे जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि 8th और 9th चैप्टर से भी क्वेश्चन आए थे. तो यस, दिस इज अगेन वन थिंग टू बी नोटेड डाउन. यस, वी शुड नोट इट डाउन कि हाँ 8th और 9th से क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल. तो यस मैम, आई थिंक CBSE एंड NTA शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैम, मैंने भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी बॉक्सेस पूरी 12th में आज तक कभी रीड आउट नहीं किए थे. एंड आई वाज हैविंग माय 6 एग्जाम्स लाइक बैक टू बैक. ऑन फर्स्ट आई वाज हैविंग 3 सब्जेक्ट एंड ऑन सेकंड 3. सो आई वाज अनेबल टू रीड ऑल दोस बॉक्सेस. एंड इवन मैंने जो आपकी वीडियोस भी हैं वो कल ही बैठकर 8th and 9th चैप्टर की देखे हैं. तो सिंस इट वाज न्यू फॉर अस, तो वी वर नॉट दैट मच थरो विद दोस टॉपिक्स. दैट्स व्हाई आई गॉट वेरी मच डिफिकल्टी इन दैट 8th और 9th चैप्टर में, राइट? तो कैन यू टेल मी, हाँ हाँ, ये समय बोलो. यही बात है कि उन्होंने पूरे थ्रू आउट द पेपर उन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे स्ट्राइक किया। लाइक दो केस स्टडीज आई थी जिसमें से जो एड ईगो सुपर ईगो की जैसी थी, तो उसमें उन्होंने मतलब मैं एक लेआउट देता हूँ उसका, उसमें उन्होंने बोलता कि एक बच्चा था जो अपने फ्रेंड्स की बैग से टिफिन चुरा के खा लेता था और कुछ भी चुरा लेता था। ओके ओके ओके। बट एक टाइम उसने अपने दोस्त के बैग में 500 रुपए देखे तो वहां पे रुक गया, उसने कहा नहीं ये मैं नहीं करता। तो जहाँ पे ईगो प्रिंसिपल आया था, बट उन्होंने डायरेक्ट उसको नहीं पूछा, उन्होंने उसको पूछा कि रियलिटी प्रिंसिपल किस पे आधारित है। ओके, तो ईगो पे रहता है। तो अगर वो चीज थी उसमें पैराग्राफ में मेंशन नहीं की, पर जिसको चीज पता है वो मार्क कर लेगा। एग्जैक्टली। तो यू से कि ये तो पूरा ही कॉन्सेप्ट बेस्ड केस स्टडी हो गया मतलब, राइट? हाँ, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक जो 4-5 दिन में जितने एनालिसिस देखे हैं या बच्चों से पूछा है, उनने मुझे लिटरली यही चीज बताई कि मैम व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने एक एक्सर्प्ट उठाया, लाइक एक केस स्टडी उठाया और उस पे से बेस्ड क्वेश्चंस आ गए मतलब, राइट? अब आज उनने लिटरली मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड भी दिया है। तो येस द लेवल इज मॉडरेट, मतलब आज का देख के तो लेवल कुड बी मॉडरेट, राइट? हाँ। और एनीथिंग ऑन असर्शन रीजन और समथिंग जो कि आया आपको? नो मैम असर्शन रीजन तो आई यू हैप्पी कि असर्शन रीजन नहीं आया या आ जाना चाहिए? मैम वी आर हैप्पी ऑफ कोर्स, बिकॉज असर्शन रीजन के पीछे बहुत सारी इश्यूज होते हैं। लाइक मुझे चिल्ड्रन कीप टेलिंग के मैम असर्शन रीजन में डिफिकल्टी होती है, तो दिस इज अ गुड पार्ट कि दे आर नॉट गिविंग असर्शन रीजन, दिस इज इंडीड गुड। तो आई थिंक योर मार्क्स विल बी ऑल यू नो ऑटोमेटिकली इंक्रीज अगर एमसीक्यूज एंड व्हाट इज द यू नो, अगर मैं बोलूँ कि रेशियो क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन का रेशियो क्या था? लाइक आपने देखते से समझ गए कि हाँ आंसर यही होगा? मैम 60-40। ओके, तो मतलब यू अंडरस्टूड कि हाँ ये क्वेश्चन है, मुझे आंसर आए, मुझे आता है इसका आंसर। हाँ। और मैच द कॉलम ये भी एक नई चीज आई थी क्योंकि मैंने तो पहली बार देखी बोर्ड में, तो कोई मैच द कॉलम था नहीं। उस एक्चुअली वो भी कैसे मैच द कॉलम्स आए थे कि एक डेफिनेशन देके रखी है, मतलब एवरीथिंग इन मैच द कॉलम वाज रिलेटेड टू अग्रेशन। तो उसमें पूछा था इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन क्या होता है, वायलेंस क्या होता है, अग्रेशन क्या होता है और हॉस्टाइल अग्रेशन क्या था, और उसकी डेफिनेशंस देके रखे। तो यू नीड टू मैच ईच एंड एवरी विद इट्स डेफिनेशन। तो वो एक नई टाइप की चीज आई थी। ओके सो वो बट यू अंडरस्टूड इट वेल, मतलब अगर हाँ एक चीज है कि अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो यू विल बी एबल टू गेट द पेपर कंप्लीट, डेफिनेटली, राइट? अगर एनसीईआरटी मतलब अच्छे से करी है तो पेपर। अब जैसे आप मुझे ये बता रहे हो हमें कि आपको ये डेफिनेशंस वाला और हॉस्टाइल अग्रेशन, अभी जो कुछ बच्चों को जो आ रहे थे मतलब मैच द फॉलोइंग, वो इतने ईजी थे कि उन्होंने चैप्टर 1 में से सिर्फ ये पूछा है कि लेट्स से अगर थ्योरी और थियोरिस्ट के नाम पूछे उनने, मतलब उन्हें पूछा कि हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने बनाया है। लाइक मैच द फॉलोइंग में उन्हें ए कॉलम में दे हैव रिटन द थियोरिस्ट, द नेम ऑफ द थियोरिस्ट, एंड बी कॉलम में उन्हें थियोरीज लिखनी है एंड दे सिंपली हैव टू मैच इट। तो मैम इन आवर एग्जाम, इन आवर क्वेश्चन पेपर, नो सिंगल थियोरी वाज देयर, ओके, एंड नो सिंगल साइकोलॉजिस्ट, देन लाइक नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, नथिंग, ओके। सो यू डिडंट हैव द नेम्स एंड ऑल? No, ma'am, even if there were names, they were mentioned in the question itself. Like they asked that one question I remember कि उन्होंने पूछा कि किस प्रकार के लोगों में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा रहती है, जो कि गार्डनर ने प्रपोज की थी मल्टीपल इंटेलिजेंस में से। Okay. So they were cricketers, spiritual leaders, this that, वैसे options आए थे उसमें। Okay. तो मतलब okay, तो उनने basically question में नहीं दिया था, मगर उनने किस टाइप का पूछा था कि you know which all type, मतलब the professions basically कि हाँ spiritual leaders होते हैं, क्या होते हैं। Okay. So yeah, questions were a bit twisted. हाँ, थोड़ा सा उनने twist किया था इसका मतलब questions को। तो this is a thing, this is actually a thing to note down के you know in your slot the questions were different exactly. तो I think anything else that you know you guys want to share, both of you want to share या कुछ बताना है या you know, or any tips that you would like to give it to your you know people who are going to give their psychology CUET now, ऐसा कुछ है? मैम अब तो टाइम ही नहीं है, बस सब तो जो कर सकते हो वो कर लो, यही कहेंगे। मैम डू रीड द बॉक्सेस मैम, इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड ईच एंड एवरी लाइन एंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक, सो या Yeah, see, because the time, because अभी तो क्या time crunch है, I do agree. मगर NCERT was extremely important, right? So, हाँ, reading NCERT. Anything that you found, anything was out of the syllabus or something? ऐसा तो कुछ नहीं था ना? नहीं. Nothing was out of the syllabus basically, हाँ. तो this is one good thing कि out of this, at least उन्होंने वो 9 chapters को ही cater किया है मतलब. They catered to the 9 chapters only. तो चलो ठीक है, this is good. Anyway, so it's a learning for all the upcoming, you know, exam, upcoming exam. All those children who are going to give their CUET now, I think tomorrow, कल से लेके जितनी भी date तक ये चलेगा, तब तक जो भी exams जिनको देनी है, it's a learning from for them. कि we have to go through NCERT and yes we also have to go through the boxes क्योंकि उसमें से questions आ रहे हैं and again कि अगर ये paper moderate हो सकता है अगर यहाँ assertion reason नहीं आया तो next assertion reason आ सकता है we never know कि it can come right तो चलो yes thank you so much Diya thank you so much Amey for connecting and for sharing your insights I hope that you know you'll get good marks and I hope you both will get you know the college that you dream of and yes thank you so much and yes take care and bye bye thank you